हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। आज हम बनाएंगे इडली चिली। इडली चिली चाइनीज आइटम होता है, चाइनीज रेसिपी है और ये काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आती है, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को। तो आज हम सबसे पहले स्टीम इडली लेते हैं। उसको बनाने के लिए इडली को हमने टुकड़ों में कट कर दिया है। एक इडली को हमने चार टुकड़ों में कट किया है, डिवाइड किया है। फिर यहाँ मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ। ये वेजिटेबल्स जो है, इसमें मैंने कैबेज लिया हुआ है, कैप्सिकम है और बेल पेपर है। थोड़े से कैप्सिकम मेरे रेड हो गए थे, वो एज अ बेल पेपर मैंने यूज़ कर लिया है। अनियन है, अनियन को मैंने चॉप्स, रफली चॉप्स किया है। फिर मेरे पास में यहाँ स्प्रिंग अनियन है, स्प्रिंग अनियन को भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ मेरे पास में है कोरिएंडर, यानी कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया, धनिया की पत्ती। यहाँ मैंने यूज़ किया है काली मिर्च कुटी भी ले रही हूँ। यहाँ कॉर्नफ्लावर है, अदरक लहसुन और चिली का मैंने पेस्ट बनाया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है, पेस्ट मीन्स थोड़ा सा दरदरा सा है। इसे हम बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, बारीक नहीं करेंगे, ये बहुत कुटी कुटी सी होनी चाहिए। इसमें पानी नहीं डालना होता है, विदाउट वाटर इसे हम मिक्सी में ग्राइंड करनी होती है। चिली सॉस है जो बॉटल्स में आती है, वही सॉस में इसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है, सोया सॉस है, विनेगर है, नमक है यानी सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। सो आप देख लेना आपके वहाँ कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। इसमें हम लोग ऑयल भी लेंगे जो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे कैसे। इडली को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, शैलो करेंगे। ये शैलो करने के लिए हम बहुत थोड़ा सा ऑयल लेंगे एक पैन में, और ऑयल लेकर के हम लोग इस ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद में हम इसे उसमें इडली को डालेंगे। इडली एक साथ ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालनी है हमें, बहुत थोड़ी सी डालनी। कुछ लोग इसे बहुत डीप फ्राई करते हैं, ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। हम विदाउट डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई में ही हम बनाते हैं इडली चीनी के लिए। इडली को फ्राई करते हैं, उसके बाद में उसका मसाला रेडी करेंगे एंड देन उसमें हम इसको ऐड करेंगे। हम यहाँ पर अभी रेडी कर रहे हैं प्रिपरेशन, हाउ टू मेक इडली चिली। मैंने उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल यूज़ किए हैं। आप अगर क्वांटिटी कम बना रहे हैं तो ऑयल आपके अंदाज से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लिया है। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था चिली एंड जिंजर का, जो हमने बहुत दरदरा सा पीसा हुआ था वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसे हमें ऐड करना है, स्लाइटली इसे भूनना है हमें, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। थोड़ी सी इसे गोल्डन फ्राई करेंगे हम, गोल्डन होना चाहिए। स्लाइट गोल्डन करने के बाद में आप देख रहे होंगे मैंने इसमें जो गार्लिक यूज़ किया है, इसके ऊपर के जो छिलके होते हैं उसे रिमूव नहीं किया है। इसे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बट इसे काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद में मैंने इसे यूज़ किया है, बहुत अच्छे से इसे ब्राउन करेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप भी डाल सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आती है इडली चिली में, तो इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पर डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने वेजिटेबल्स रफली चॉप करके रखा हुआ है, ये वेजिटेबल्स मैं इसमें पोर कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ, इसे बस 2 मिनट के लिए हम अच्छे से टॉस करेंगे, बिकॉज अच्छे से चलाएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं अच्छी लगती है इडली चिली में, चाइनीज़ में। इसमें थोड़ा सा क्रंची इफेक्ट होना चाहिए, क्रंची टेस्ट, क्रंची लगना चाहिए, और जब ये मुँह में ऐसे क्रंची क्रंची आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है इसका स्वाद। तो अब मैं इसको, देखिए मेरी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है इसीलिए मैंने 2 बिग स्पून ऑयल लिया है। आप अगर 2 पर्सन के लिए बना रहे हो तो आपको ज़्यादा
लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल आप काफ़ी 2 टीस्पून से भी हम बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 8 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने ये यूज़ किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने काली मिर्च लिया था, वो मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। थोड़ा मैंने इसमें चिली सॉस डाल दी, थोड़ी हरी मिर्च हमने पीसने में ले ली है, तो चिली सॉस भी हम मैं 2 स्पून ले रही हूँ, 2 टीस्पून ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे हम चिली सॉस में। मैं ग्रीन चिली भी ले रही हूँ, ये थोड़ा टैंगी होता है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं होता है बट ये थोड़ा टैंगी होता है, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे सेम मेथड से आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन चिली भी बना सकते हैं, वो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे इस कुकिंग के बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं कि क्या चेंजेस चाहिए या कैसा लगा आपको, ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं मुझे। अब मैं इसमें बहुत थोड़ा सा विनेगर डालूंगी, ये मैंने मेजर कर लिया था, 1.5 स्पून है, तो मैं ये बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ। समटाइम अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो उसमें आप लेमन जूस जो है वो भी 1 और 2 स्पून डाल सकते हैं। अब मैं इसमें नमक पोर कर रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार है, मैं बहुत लाइट सॉल्ट खाती हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर रही हूँ। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर चिली सॉस के साथ साथ मैंने थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर लिया है। जस्ट 2 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे और उसमें हम बस ये रेडी है। बस अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारा जो इडली हमने लिया था, थोड़ी सी शैलो की है, मैं बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करती हूँ बिकॉज काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लिटिल बिट क्रंची ओवर लेयर जो है क्रंची और बीच में वो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सॉगी लगती है जो बहुत स्वाद देती है, तो एक बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। इसलिए मैं उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा डीप फ्राई वाली जो होटल्स में मिलती हैं यूजुअली वो मैं बिल्कुल भी उस तरह से फ्राइड करके नहीं यूज़ करती। तो कभी एक ट्राई कीजिए आप, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ऊपर से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जो मैंने कोरिएंडर लीफ यानी कि कोथमीर जो हरा धनिया है, धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, एक फ्लेवर देती है। अगर आपके पास सैलरी हो तो आप सैलरी डाल सकते हैं, और ज़्यादा चाइनीज इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा। ये मैं हरा धनिया भी डालने से काफ़ी अच्छा फ्लेवर फील करती हूँ। तो ये हमने अभी बनाया है। अब इसमें मैं बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी, जो लिक्विड करके मैंने रखा है कॉर्नफ्लावर, उसको जब भी आप उसको बना लेते हैं तो उसे वो नीचे की तरह बैठ जाता है, उसे थोड़ा अच्छे से उसको घुमा करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हमें इसको यूज़ करना है, इस तरह से यूज़ करेंगे हम इसे बहुत थोड़ा सा, और इसे बहुत अच्छे से ऊपर और नीचे की तरफ मिक्स करेंगे। तले से चलाना है क्योंकि ये जमने लगता है। इसे एक ये डालने का एक पर्पज़ है, नहीं डालना चाहें तो भी आप नहीं डाल सकते हैं, बट ये डालना ये बहुत ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आपने मसाले डाले थे वो मसाले सेपरेट हो जाते हैं, जब आप ये डालते हैं तो ये मसाले को बाइंड कर देता है, तो सारे मसाले आपके हर एक बाइट में मसाले का फ्लेवर आपको मिलता है। इसके लिए आपको बार बार गैस को स्लो सिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल जो है आप गैस रख के बना सकते हैं सारी चीज़ें, बट आपके पास में कट के पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर आपके पास सारे मसाले और सारा इंग्रेडिएंट प्रिपेयर है तो डेफिनेटली आप अच्छे से इसे बना सकते हैं, आपको फिर बार बार गैस के साथ में कोई ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हमने हमारा इडली चिली जो है वो रेडी हो गया है, प्रिपेयर हो गया है, अब वो खाने के लिए रेडी है। तो झटपट हम क्या करेंगे, इसे सर्व करेंगे। अब आपको अगर चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा सेजवान सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बट नीड नहीं होती है, काफ़ी टेस्ट एंड काफ़ी यमी होता है, ये इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं और डिनर और लंच में भी, एज योर विश। थैंक यू सो मच।